सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मुँह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और बोलने वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। दुनिया का डर नहीं जो तुझे उड़ने से रोकते हैं, कैद है तू अपने ही नजरों के पिंजरे में। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। आज का पंचांग 9 जून 2021 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 1:58 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 8:44 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:26 से 2:06 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी वृषभ राशि पर ही रहेंगे। कर्क राशि 9 जून 2021 दिन बुधवार, असावधान रहे। आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ योजनाएं बनाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप आसानी से उन पर जीत हासिल कर पाएंगे। मजेदार तो ये है कि खुद उन्हें भी आपकी उपलब्धि के लिए आपकी तारीफ करनी होगी। इस गंभीर स्थिति को थोड़ा हल्का फुल्का बनाने के लिए दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं। ग्रह गोचर अनुकूल है, आपका सोच समझकर निर्णय लेना और कोशिश करके अधिकतर काम स्वयं ही निपटाना अवश्य आपको सफल करेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद भी आपके लिए बहुत सहायक रहेगी। आपके आसपास परिस्थिति नकारात्मक नहीं है, फिर भी हर एक बात को करते समय कठिनाइयों का सामना होगा। अपनी हिम्मत को बनाए रखना होगा। परिवार में से कोई व्यक्ति आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको अपनी तकलीफ का सामना अकेले ही करने की आवश्यकता है। आपके द्वारा गलती न होने के बावजूद भी वरिष्ठों की आपके ऊपर नाराजगी बनी रह सकती है, जिसे मिटने के लिए वक्त लगेगा। पार्टनर के साथ बनी दूरियां मिटने लगेगी। यूरिन संबंधित तकलीफ को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, सामाजिक क्रियाकलापों में भी कुछ समय जरूर बिताएं। ज्यादा आत्म केंद्रित होना भी ठीक नहीं है। व्यक्तियों को मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। व्यस्तता के बावजूद घर परिवार में भी आपका उचित योगदान रहेगा। आपसी संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। आप भगवान के द्वारा बनाए हुए अद्वितीय और विशेष हैं, और किसी को आपके बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसे महसूस करते हैं तो सूक्ष्म कोमलता और शांत से अपने कार्यों से अपना जवाब दीजिए। स्थिति में एक मोड़ आएगा, आपका साथी आपको समझेगा। वर्तमान में आपका प्यार परिवेश के कारण व्याकुल है, लेकिन जब कठिन स्थिति आएगी तो आपके साथी को आपका महत्व पता चलेगा। बात करते हैं करियर की। आज अब आप प्यार और खुशी को पाएंगे जो आप अपनी कार्य क्षेत्र में महसूस करते थे। बाहरी दबाव और काम के बोझ की वजह से वह खुशी कहीं दब सी गई थी, पर एक खुशनुमा पल आपको ये एहसास कराएगा कि क्यों आपने ये कार्य क्षेत्र चुना था और ये क्यों आप पर इतना जस्ता है। आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में अपना रवैया बदलने के लिए अति उत्तम है। कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। जल्दबाजी ना करके धैर्य पूर्वक कार्य को संपन्न करें। ऑफिस में कार्य की अधिकता रहेगी, ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, ध्यान रखें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान दें। आपने अपनी सेहत के साथ साथ उन सब लोगों की सेहत की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है जो आपके ऊपर निर्भर है। इससे आपको कुल मिलाकर बहुत फायदा होगा और आपको इसके परिणामों पर भी गर्व होगा। आपको और आपके करीबियों जिनके आपने
जिम्मेदारी ली हुई है। सबका फिटनेस लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षित करने का मौका भी मिल सकता है। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। गरीबों को दान पुण्य भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।